हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आप अपना जो स्टेटस है एप्लीकेशन फॉर्म का वो कैसे चेक कर सकते हो वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ आना है और यहाँ कैसे आ सकते हो ये चीज़ें मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी बताना पड़ेगा तो आप यहाँ पर सर्च करना है entrance.msc.gov.np, लॉग इन करना है अपने कोई भी क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर में, गूगल ब्राउजर में। तो इस तरह से आपके पास खुल कर आ जाएगा। तो या www.msc.gov.np लॉग इन करना है, तो इस तरह से खुल कर आ जाएगा। जहाँ की आप यहाँ पर लॉगिन सेक्शन देख रहे हैं, तो ये लॉगिन सेक्शन में जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है यहाँ पर। इस तरह यह इधर साइड में जो है लॉगिन इस तरह से करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड रखना है। और यूजर नेम एंड पासवर्ड रखकर मैं बता रहा हूँ कहाँ जाना है फिर से। तो आप अपना जब रखेंगे सारा डिटेल, तो इस तरह से खुल कर आएगा जहाँ ब्लैंक दिखेगा और अब कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इधर डैशबोर्ड, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन दिखा रहा है ना। तो आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो क्या दिक्कत है मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में आना है नीचे, कर्सर जो एप्लीकेशन फॉर्म में आया है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आना है और क्लिक करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा MSc BL 2024। देखिए ये बड़ी गलत बात है कि MSc BL 2024 ऊपर लिख रहा है, और यहाँ देखिए एप्लीकेशन ओपन फॉर एप्लीकेशन डेडलाइन ऑफ सबमिशन 2023, मीन्स आप जब कंफर्मेशन पे दिखेंगे तो 2023, ये तो डेडलाइन है तो 2023 है, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है, और व्यू डिटेल पर क्लिक कर आपको फाइनली आपको दिखाएगा स्टेटस। मैं दिखा रहा हूँ जो है कर्सर जो है व्यू डिटेल पर, वो व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है। फाइनली जब आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे इस तरह से आएंगे, फ्लोइंग आर द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट यू हैव पेड अमाउंट फॉर करेंट शेड्यूल, यू कैन गो टू सबमिट योर पब्लिकेशन। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड इन्फॉर्मेशन, यू कैन रिव्यू योर डिटेल्स, व्यू डिटेल्स में क्लिक। तो देखिए इसमें जो MBBS में एक बच्चे ने अप्लाई किया उसका फॉर्म का वेरीफाइड हो गया है। अब इस तरह से स्टेटस में आपको वेरीफाइड देखेगा एक्शन, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पेज सब आगे का दिखाएगा। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।